हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आई होप आप सभी सेफ हैं घर पे। अभी का जो सिचुएशन है, इस लॉकडाउन और पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग पार्लर नहीं जा सकते। मैं किसी को भी इस पैंडेमिक सिचुएशन में पार्लर या सैलून जाने को नहीं रेकमेंड करूंगी। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं किस तरीके से घर में अपने स्किन, अपने हेयर का टेक केयर करती हूँ। सो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने लिप्स को स्क्रब करती हूँ, क्योंकि लिप्स स्क्रब करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप घर पे लिप्स स्क्रब नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। वीक में एटलीस्ट वन टाइम तो लिप को स्क्रब करना जरूरी है। अगर आप सही लिप्स स्क्रब इस्तेमाल करते हैं तो लिप्स काफी ज्यादा रेड और पिंकिश सा हो जाता है। जो डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी सॉफ्ट, प्लम्प, सपल और पिंकिश सा हो जाता है आपके लिप्स। तो लिप का भी टेक केयर हमें जरूर करना चाहिए। तो लिप स्क्रब के लिए मैं जिस लिप स्क्रब को इस्तेमाल करती हूँ वो है ये अजानी एक्टिव केयर बीट रूट लिप स्क्रब, जिसके अंदर मोरिंगा, हनी एंड ब्राउन शुगर है। अगर आपके लिप्स बहुत ही ज्यादा डार्क कलर्ड हो गए हैं, लिपस्टिक एंड कई सारे प्रोडक्ट्स हम अपने लिप्स पर इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से लिप्स पर इफेक्ट पड़ती है और लिप्स डार्कन हो जाती हैं, तो डार्क लिप्स को लाइटन करने के लिए ये लिप स्क्रब बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि ये आपके लिप्स से जो पिगमेंटेशन है, डार्क पिगमेंटेशन, उसे रिमूव करता है। इसके अंदर बीट रूट होने की वजह से ये लाइटन करता है उस पिगमेंटेशन को। हनी इंटेंसली मॉइस्चराइज करता है आपके लिप्स को। ड्राई, चैप्ड और डैमेज्ड लिप्स के लिए ये लिप स्क्रब बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। अजानी एक्टिव केयर बीट रूट लिप स्क्रब मुझे इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके अंदर कुछ अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि मोरिंगा ऑयल, विटामिन ई एसिटेट, लैक्टिक एसिड, कोकोनट ऑयल, हनी, बीट रूट एक्सट्रैक्ट, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट, ब्राउन शुगर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जेंटली एक्सफोलिएट करता है हमारी लिप्स को। स्क्रब करना है इसे सर्क्यूलर मोशंस में और ये बहुत ही अच्छी तरीके से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, जिससे कि लिप्स मॉइस्चराइज्ड रहते हैं, कंडीशन्ड रहते हैं एंड लिप्स सॉफ्ट, सपल होने के साथ साथ थोड़ा सा पिंकिश टोन भी आपको मिलेगा। तो जो आपके लिप्स में जो भी पिगमेंटेशन है, डार्कनेस है, वो बहुत इजीली ये रिमूव कर देता है। पहले इस्तेमाल के बाद ही आपको जो सॉफ्टनेस है वो महसूस होगी, लिप्स काफ़ी अच्छा फील होगा। लेकिन अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर वीक में दो बार इस्तेमाल करना स्टार्ट करें तो इससे आपके लिप्स में जो डार्कनेस है, जो पिगमेंटेशन है, वो भी रिमूव हो जाएगी। हम लोग सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, उनके लिप्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट एंड पिंकिश सा होता है। हालांकि वो लोग काफ़ी सारे मेकअप इस्तेमाल करते हैं, लिपस्टिक्स ऑल टाइम वेयर करते हैं, बट स्टिल दे यूज़ दीज काइंड ऑफ लिप स्क्रब्स, जिससे कि लिप्स काफ़ी सॉफ्ट एंड पिंकिश सा हो जाता है। ये जो अजानी एक्टिव केयर बीट रूट लिप स्क्रब है, ये है 50 ग्राम्स का और इसका प्राइस है 399 रुपीज। नेक्स्ट, अपने हेयर को भी टेक केयर करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं अपने हेयर पर इस हेयर मास्क को वीकली वन टाइम जरूर डेडिकेटेडली मैं इसे अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये हेयर मास्क अप्लाई करने से ना मेरे हेयर फॉल भी काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी है और मेरे हेयर ब्रेकेज जो होते थे वो भी कम हो गई है और हेयर बहुत ही ज्यादा हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है देन यू नो दिस कि माई हेयर इज सो रफ एंड फ्रीजी, तो इसे इस्तेमाल करके काफी ज्यादा मैनेजेबल, सिल्की एंड सॉफ्ट हुए हैं। ये हेयर मास्क है अजानी एक्टिव केयर ग्रोथ स्टिम्युलेटिंग हेयर मास्क। अब ये आपके हेयर को सॉफ्ट एंड सपल क्यों बनाता है, क्योंकि इसके अंदर बायोटिन, केराटिन एंड कोलाजन प्रोटीन्स है, जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ हेयर डेंसिटी को प्रमोट करता है और हेयर को काफी ज्यादा हेल्दी, सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। बाय द वे, ये जो हेयर मास्क है, दिस इज सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। ये आप किसी भी हेयर टाइप पे इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दिस इज रियली अफोर्डेबल। ये 200 ml का इस तरीके का बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग में आता है एंड इसका प्राइस है 699 रुपीज। तो मैंने जहां से इन प्रोडक्ट्स को परचेज किया है उसका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। अजानी एक्टिव केयर के सारे प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, पैराबेन, सल्फेट, SLS फ्री होते हैं एंड इसके अंदर नेचुरल एक्टिव्स होते हैं। इनफैक्ट द प्रोडक्ट्स आर GMP सर्टिफाइड, सो आपको कोई डर नहीं है। आपकी स्किन के लिए ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफ है इस्तेमाल करने के लिए। मेन, वुमेन, टीनेजर्स सभी इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।
अजानी एक्टिव केयर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हेयर मास्क आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ हेयर डेंसिटी को भी प्रमोट करता है, जिससे कि हेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड शाइनी एंड हेल्दी होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे हेयर हेल्थ के लिए, जैसे मुल्तानी मिट्टी, गौर गम, कोकोनट ऑयल, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट, मोरिंगा ऑयल, भृंगराज, शिकाकाई, मेथी, आंवला एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ई है और बायोटिन, केराटिन, कोलाजन जैसे प्रोटीन्स भी इस हेयर मास्क के अंदर आपको मिलेगा। एंड दिस इज़ टोटली हार्श एंड हार्मफुल केमिकल फ्री है, तो कोई डर नहीं है, आपके हेयर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये सेफ है। एंड इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रीमी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये एक इंस्टेंट हेयर स्पा है जो आप घर पर कर सकते हैं सिर्फ 15 मिनट में। अचानक कोई स्पेशल ओकेशन है या इवेंट है और आपके पास बिल्कुल भी पार्लर जाने का या हेयर पर कोई ट्रीटमेंट करने का टाइम नहीं है, तो आप इस हेयर मास्क को अपने ड्राई हेयर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये परफेक्टली वर्क करता है अगर आप ड्राई हेयर पर इस तरीके से ईच हेयर स्ट्रैंड पर अप्लाई करते हैं, अपने एंड्स पर ज़्यादा फोकस करना है, एंड्स पर ज़्यादा अप्लाई करना है। एंड अगर आप अपने वेट हेयर पर अप्लाई करते हैं तो और भी अच्छा है, बट ये ड्राई हेयर पर भी अच्छे से वर्क करता है। इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ऐसा ही अप्लाई करके अच्छे से, एंड आफ्टर 50 मिनट्स वॉश विथ नॉर्मल वाटर, और फिर आप देखिएगा कि इंस्टेंट आपके हेयर पर एक स्पा जैसा लुक मिलेगा। बिल्कुल ये 15 मिनट में हेयर स्पा जैसा इफेक्ट आपको देगा। सो और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल वे में, क्योंकि यही स्पा अगर आप पार्लर जाकर लेते हैं तो काफ़ी सारे पैसे आपके खर्च हो जाएंगे, लेकिन ये 15 मिनट में आपको सेम रिजल्ट देगा। इसी वजह से मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है। एंड आप लोगों को मैंने पूरा प्रोसेस अच्छे से दिखाया है कि किस तरीके से आपको ईच हेयर स्ट्रैंड्स को अलग अलग से लेना है एंड उसे मसाज करना है, थोड़ा सा अपने स्कैल्प पर इस तरीके से मसाज भी कर सकते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। एंड अच्छे से अपने हेयर पर मैंने अप्लाई कर लिया है इस हेयर मास्क को, एंड फिर अपने हेयर को टाई कर लीजिए एक बन में, एंड देन जस्ट 15 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ दीजिए। आफ्टर दैट मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया था क्योंकि मेरे हेयर बिल्कुल क्लीन थे, तो आपको इस हेयर मास्क को अपने क्लीन हेयर पर ही अप्लाई करना है। एंड देन यू कैन सी कि मेरे हेयर कितने ज़्यादा डेंस लग रहे हैं, काफ़ी फुलर लुक मुझे मिला है एंड हेल्दी भी लग रहे हैं। सो ये हेयर मास्क आप ज़रूर ट्राई कीजिए, वीकली वन टाइम तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपके हेयर की जो हेल्थ है, हेयर हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होगी। आपकी फेस की बारी, अपने फेस को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना कीजिए। मैं अपने फेस पर एक फेस पैक जरूर इस्तेमाल करती हूँ और मैं हमेशा होममेड फेस पैक ही प्रेफर करती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा मुझे लगता है कि इफेक्टिव होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं नॉर्मल बेसन हल्दी मिक्स कर लेती हूँ, और मेरे पास अगर ज्यादा टाइम होता है तो मैं मुल्तानी मिट्टी या नीम पाउडर भी उसमें मिक्स करती हूँ। आप चाहते हैं तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या पिंपल्स है तो आप उसके अंदर सैंडलवुड पाउडर मतलब चंदन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, एंड फिर उस मिक्सचर को रोज वाटर में या दही के साथ मिक्स कीजिए। एंड मैं उसे अपने होल फेस, नेक, हैंड्स पर लगा लेती हूँ। जस्ट 10 मिनट्स चाहिए उसे ड्राई होने में, सेमी ड्राई हो जाए फिर आप उसे रिमूव कर दीजिए। ये अगर आप वीकली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके स्किन में जो डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन या अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है, वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा, वीडियो से हेल्प हुई है। अगर आपने इस प्रोसेस को ट्राई किया है और इन प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट किया है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आप सबको कैसा रिजल्ट मिला, कैसा लगा आप सबको। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।